बिस्मिल्लाम असला डियर स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद कासिम एंड द टॉपिक टूडे इज एन एमडी कैट विकैबलरी सेक्शन आज के टॉपिक में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का फॉर्मेट विकैबलरी क्वेश्चन का फॉर्मेट एंड सेकेंडली विल डिस्कस द विकेबलरी एनहेंसमेंट टूल्स लेट्स मूव टू द बोर्ड नाव डियर स्टूडेंट्स पीएमसी ने सिलेबस टू जो है वो लॉन्च कर दिया है लेकिन उस सिलेबस में उन्होंने कोई वोरी लिस्ट नहीं रखी इस में स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट सा मालूम होता है लेकिन दर हकीकत बच्चों में ऐसा नहीं है उसकी दो वजह है पहली वजह तो यह है कि स्टेप ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए जो है वो फाइव लिस्ट का अरेंज किया है और एक लिस्ट है ये हंड्रेड वर्ड्स पर बेस करती है और टोटल फाइव हंड्रेड वर्ड्स का जो क्लस्टर है उसमें आपके पास सीनेम्स और एंटेनिम्स का खूब जो है वो वो बैंक मौजूद है अच्छा इसमें एक चीज आप ये समझ लें तो है, है वो आपके पुराने सारे UHS के words, के वर्ड्स आपके पेपर्स अब तो पीएमसी है ना पहले यूएचएस था और साथ में जितने भी इंटरनेशनल लेवल्स पे जो टेस्ट हो रहे हैं तो वहां से सारे वर्ड्स लिए गए लाइक जी आर ई है जी मैट है और सैट है और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वोबरी इनहेंसमेंट टूल्स तो बच्चों हमें इन टूल्स को सीखना है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इट्स वेरी इजी इसमें सिर्फ आपको दो तीन चीजें सीखनी है हम इसमें रूट्स को सीखेंगे हम इसमें को सीखेंगे हम इसके चंद एक और टेक्निक्स हैं टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको हम देखेंगे अगर हम इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हम वो पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं तो लेट्स मूव टू द बोर्ड तो बच्चों ये देखें आपके पास सामने जो है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट मौजूद है क्वेश्चन जो है उसमें हैं हैं सेंटेंस कंप्लीशन है है इन कॉन्टेक्स्ट स्पेलिंग आर्ट हम इन चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम वोकैबलरी टूल्स तो कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं कौन सा आर्ट है जिसको हम सीख के कौन सी स्किल है हम वोकैलरी को बेहतर कर सकते हैं तो ये हमारा अभी टॉपिक चलेगा बच्चों तीन चीजें बहुत ही मैटर करती हैं रूट्स और एफिक्सेशन हैं वर्ड फॉर्मेशन हैं और ओनोमटोपिक वर्ड्स हैं जिनको साउंड वर्ड्स भी कहते हैं तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड तो बच्चों रूट्स और एफिक्सेशन को अब हम अनफोल्ड करने वाले हैं तो हमने आपके लिए कुछ रूट्स जो तो हैं वो सिलेक्ट किए हैं और एफिक्सेशन सिलेक्ट किए हैं हम उन पे आज डिस्कस करेंगे तो बच्चों इंग्लिश में ये है कि हर वर्ड की कोई ना कोई रूट से निकला हुआ है लेकिन हमें हर रूट को नहीं जानना हमें सिर्फ उन रूट्स को सीखना है जो ज्यादा प्रोडक्टिव है जो ज्यादा प्रोलिफिक है तो प्रोलिफिक और प्रोडक्टिव रूट से क्या मुराद है वो रूट्स जो आ, ए, आपको एक से ज्यादा वर्ड दे रही है बल्कि जो कम अज कम दो तीन चार वर्ड्स दे रही है कम अज कम तो उन रूट्स रूट को हमें सीखना चाहिए तो यहां पे हमने आपके लिए कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ रूट हैं और एफिक्सेशन यहां पे लिस्ट आउट किए तो लेट्स सी देम तो देखिए बच्चों सिम्बायोसिस एक वर्ड है यहां पे हमारे पास तो मैं यहां पे आपको एक एग्जाम्पल ये देना चाह रहा हूं कि रूट्स और एफिक्सेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करते और बाद में वो कैदरी सेक्शन में जैसे ही कोई नया वर्ड आता है तो वो कन्फ्यूज हो रहे होते हैं अगर हम इन चीजों को अच्छे से देख लें और सीख लें तो हमारी सारी कंफ्यूजन जो है वो रिजोल्व हो जाती है लाइक वी हैव अ वर्ड ऑन द बोर्ड सिम्बायोसिस तो बच्चों सिम इज अ कंबिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स फर्स्टली इज द प्रीफिक्स दैट इज सिम एंड रूट इसकी क्या है बायो और इसका सिस क्या है सफिक्स तो इस तरीके से आप देखें कि आपको बेशुमार वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें प्रीफिक्सेस uh, भी हैं और सफिक्सिस भी हैं और रूट्स भी हैं तो इन चीजों को सीख के अगर हम नए वर्ड्स को या uh, हम डिग आउट करें तो हमारे लिए उनको सीखना और उनको जानना समझना बहुत आसान हो जाता है तो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा बिट, देखिए सबसे पहले जो हमारी रूट है ना वो सिड की रूट है सिस भी कहते हैं और सिड भी इसका मतलब क्या होता है काटना जैसे आपके सामने वर्ड है हरबी साइट तो हरबी साइड में आप देखें सिड की रूट आ गई ठीक है ना तो हर्बी साइड हर्ब्स किसे कहते हैं जड़ी बूटी को जैनोसाइट जैन लोगों को भी कहते हैं जनरेशन निकला हुआ वर्ड तो जेनोसाइट मैंने नसल खुशी फ्रेट्रीसाइट तो सिड की रूट दोबारा आ गई क्या है बेटा यानी कतल काटने से रिलेटेड है।, है तो सिज क्या है ये ये नस्तर लगाना कट लगाना सर्जरी में ना इनसीयन करते हैं देखें डिसिजुअस वर्ड है और कंसाइस है सीजर्स है तो कंसाइस में भी क्या होता है इख्तसार करना कट लग जाना है तो सीजर में सिज है तो यानी क्या है कट लगना सिट यानी ये भी कतल से रिलेटेड है

और प्लेसिड और प्लेकेटरी तो इन सब का मतलब क्या है यानी कामनेस के सेंस में सेटिस्फाइड के सेंस में इज दट ओके जी एंड हियर इज द नेक्स्ट वन सन एस वन सन तो सन का मतलब क्या होता है जी साउंड जैसे वो आपको पुराने वक्तों में जब कैसेट्स होते थे ना तो सोनिक वालों जो थे ना वो एक कैसेट्स वगैरह निकालते थे तो ये उसी से रिलेटेड बन जाता है तो देखें कॉन्सोनेंट सन आ गया हाइपरसोनिक सोनरस अब देखिए अगर मैं वैसे आपको वर्ड दे दूं या आपको पीएमसी वर्ड दे दे, दे सोनरस तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं लेकिन अगर आपको एक ये सिंगल रूट जेन में हो कि हाँ हमने सुना था कि सन का मतलब साउंड होता है तो सोनरस यकीन साउंड से रिलेटेड कोई इसका मीनिंग बन रहा है तो ये ऐसा ही है तो इसमें सोनेट्री uh, ठीक है सुपरसोनिक तो ये बच्चों रूट्स की इंपॉर्टेंस यहां आपके सामने आ रही है तो हमने इनको सीखना है हमने इनको जानना है और इनको हमने मेमोराइज भी करना है फिट का मतलब बच्चों क्या होता है ट्रस्ट लाइक देखें परफिडी ये धोखा देने से रिलेटेड आप खत्म कर रहे हैं ठीक है डिफिडेंस है यानी आप में ट्रस्ट नहीं अतमाद नहीं है आप में ठीक है जी, बहुत से ऐसे निकले हुए हैं तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ एंड सी अदर रूट्स ओके वी हैव अदर रूट्स एज वेल रूट ऑफ फोनो तो फोनो का मतलब भी क्या होता है साउंडियस अब यूफोनियस वर्ड अगर वैसे आपको मिल जाए तो हो सकता है आप घबरा जाए लेकिन यूफोनियस अगर रूट के साथ आप देखेंगे तो बहुत ईजी आपको पता चल जाएगा साउंड से रिलेटेड इसका भी कोई मीनिंग बन रहा है टेलीफोन इसमें टेली क्या है इसमें प्रिफिक्स है टेली का मतलब क्या होता है दूर से ठीक है ये हम बाद में देखेंगे होमोफोनोलॉजी Allogy क्या होती है स्टडीज होती है ये एक सफिक्स है इसको भी हम बाद में देखेंगे तो यहां से आपको स्ट्रेंथ बार बार फील हो रही है किनकी रूट्स की नेक्स्ट इज एंड नॉक्स तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं हार्मफुल हार्मफुल यानी नुकसानदेह तो जैसे देखें इनोसेंट यानी जो नुकसानदेह नहीं है ठीक है ना इनका मतलब यानी नेगेटिव में भी होता है ना इन पॉजिटिव में भी चलता है ठीक है इसी तरह इनोक्यूस वर्ड है नॉक आ गया नॉक्स है एबनोक्शस है इन सबका मतलब क्या है यानी नुकसान से रिलेटेड है इनका मतलब जह, जहां पे इन लगा हुआ है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे बाकी न, नुकसान दे हैं नेक्स्ट बेटा कल्प तो कल्प का मतलब बच्चों क्या होता है ब्लेम जैसे क्या होता है Culprit है कल्प्रेट एक्सकल्पेट एक्स का मतलब एक प्रीफिक्स है एक्स किसे कहते हैं यानी नहीं? नहीं है बाहर निकाल रहे हैं आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सकल्पेट मैंने यानी बरी कर देना कल्पा जुर्म से रिलेटेड है म्या कल्पा ये मैंने किया है ये मेरा जुर्म है इनकल्पेट यानी किसी को मुलजिम ठहराना एंड नेक्स्ट इज पैथ और बच्चों पैथ के वाले से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पुराना जो यूएचएस का वर्ड्स का क्लस्टर होता था उसमें चार से पांच वर्ड्स जो थे वो पैथ की रूट के एग्जिस्ट करते थे तो पैथ का मतलब क्या होता है फीलिंग्स जैसे पैथोस वर्ड है जैसे पैथेटिक है एपैथी यानी फीलिंग्स नहीं है बेसी ए जो है ये नेगेटिव के लिए भी आता है ना तो इसी तरह टेलीपैथी यानी ये भी फीलिंग्स है पैथ नेक्स्ट इज ट्रैक्ट ट्रैक्ट एक एक और रूट है जिसका मतलब क्या होता है यानी यानी पुल पुल करना तो अट्रैक्शन कोई चीज आपको पुल करती है आपको उस अपनी तरफ खेचती है अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट जो आपको पुल कर रही है कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोग पुल करते हैं एक दूसरे की तरफ तो एक मुआदा हो जाता है ठीक है इंट्रैक्टेबल जिसको आप पुल नहीं कर सकते जिद्दी है बड़ा वो ठीक है ट्रैक्शन किसे कहते हैं आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ट्रैक्शन ट्रैक्टर है ओके बच्चों

ठीक है वो तहरीर जो बाद में आ जाए पोस्टीरियर है ठीक है पोस्ट पेड बहुत कॉमन है पोस्ट स्क्रिप्ट यानी वो तहरीर जो बाद में लिखी जाती है स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है लिखना बेन बेन बच्चों एक प्रीफिक्स है बैन का मतलब क्या होता है गुड तो बिनाइन मेडिकल के स्टूडेंट्स जानते हैं बिनायन को बिनायन क्या होता है बिनायन ट्यूमर होता है ठीक है बेनेडिक्शन तो बेन आ गया डिक्ट का मतलब क्या होता है लिखना यानी लैंग्वेज से रिलेटेड है तो बेनेडिक्शन मैंने अच्छी दुआ देना अच्छा बोलना बेनिफिट है बेनिफिशरी है और बेनिफिट वगैरह वगैरह तो ये सारे वर्ड्स देख लें ये बैन की रूट से हैं से हैं मैल बेटा नेक्स्ट हमारा है मैल का मतलब क्या होता है बुरा तो जैसे मैलिस है जैसे मैल ट्रीटमेंट है जैसे मिलाइन है और इसी तरह मैलडिक्शन है तो मैली में डिक्शन में भी दो वर्ड आ गए ठीक है डिक भी आ गया और मैल भी आ गया नेक्स्ट इज एंटी ए एन टी आई और एक तो होता है ना एन टी ई उसका मतलब क्या होता है पहले ठीक है और ये ए एन टी या ए एन टी आई है इसका मतलब होता है ऑपोजिट होना लाइक like एंटीबॉडी आजकल कोविड में सब जानते हैं एंटीबॉडीज को और मेडिकल के स्टूडेंट्स तो जानते हैं एंटीसेप्टिक्स एंटीपैथी एंटीडोट एंटेनिम एंटेगोनिस्ट अब एंटेगोनिस्ट वर्ड को आप अलग से देखें तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं लेकिन एंटेगोनिस्ट का मतलब यहां पे क्या बन रहा है मुखालिफ होना कॉन्ट्रेरी ऑपोजिट एंड नेक्स्ट इज मोनो तो बच्चों देखिए मोनो का मतलब क्या है वन लाइक मोनोपली है मोनोगमी एक शादी मोनोटोन एक ही लहजे में बात करते रहना एक ही पिच में बात करना ठीक है Monotheist, theism, थी, ये भी हम जानेंगे आगे रिलीजन से रिलेटेड है ये वर्ड मोनाकी ठीक है ए आर सी एच और इसका मतलब क्या होता है बादशाह और मोनाकी कहते हैं यानी एक आदमी की हुकूमत होना नेक्स्ट इज बाय और टू कहते हैं बायलिंगुअल है जी दो है लिंग लैंग्वेज को कहते हैं बाई एनुअल एक साल में हर दो साल बाद ऐसे होना किसी भी चीज का Bilateral, ठीक है दो तरफा इसका क्या एंटरनेम क्या होता है यूनिलैट्रम्बल और एम्बल की एक प्रफेक्स है वॉक ठीक है जैसे एम्बुलेंस वर्ड देखते हैं एम्बल चलना रैम्बल स्क्रैम्बल यानी सब चल रहे हैं अफरा तफरी मच रही है शैम्बल मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ

एंड नेक्स्ट प्रिफिक्स फिल फिल का मतलब बच्चों क्या होता है लव तो लाइक वर्ड्स फिलोलॉजी हैं स्टडीज को कहते हैं फिलोसफी सोफो का मतलब क्या होता है तो इसमें वर्ड एक रूट भी है का मतलब इंसान होते हैं तो फिल एंथ्रोपिस्ट मैंने मोहब्बत करने वाला तो इसमें बिब्लियोफाइल है फिलेंड्रर है तो ये सारे वर्ड्स फिल की प्रिफिक्स से जनरेट हुए हैं मूव करते हैं नेक्स्ट है वो लास्ट हमारी आज की जो प्रिफिक्स है वो एंट ant और एंटी है इसका मतलब क्या होता है बिफोर पहले इससे पहले हमने पिछले बोर्ड में ए एन टी आए पढ़ा था उसका मतलब क्या ए एन टी भी आप कह लें उसका मतलब क्या होता है ऑपोजिट और इसका मतलब क्या होता है पहले तो लाइक like, एंटीडेट होता है ठीक है एंटीसिपेट सिप यानी होता है होल्ड करना काबू करना और यानी पहले से आप काबू काबू कर लेते हैं पहले से आप किसी चीज को जान लेते हैं समझ लेते हैं एंटीसीडेंट है प्रोनाउंस में हम देखते हैं एंटीरियर है इसी तरह आपको पता है एंटी मेरिडियम भी टाइम का होता है पोस्ट मेरिडियम और एंटी मेरिडियम तो वो भी इसी में आ जाते हैं तो मूव टू द नेक्स्ट पोर्ट नाउ फॉर फर्दर सफिक्सिस जी बच्चों सो हियर आर सिफिक्सिस के हवाले से मैं यहां पे एक बात बहुत अहम बताना चाहूं कि सफिक्सिस मेनली जो है वो वर्ड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं यानी हमें बताते हैं कोई कोई वर्ड एडवर्ब फॉर्म में है कोई एडजेक्टिव फॉर्म में है नाउन फॉर्मेशन में हमारी मदद करते हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ uh, ऐसे भी हैं जो मीनिंगफुल हैं और बाकायदा वो मीनिंग्स में इजाफा करके हमें फैसिलिटेट करते हैं वर्ड के हवाले से तो लेट्स मूव टू द दफिक्सिस तो अगेन द थ्योरी वही हमारी है कि हम सारे को नहीं देखेंगे हम उन्हीं रूट्स और एफिक्सेशन को फॉलो करेंगे उन्हीं की बात करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा प्रोलिफिक हैं जो ज्यादा रिच हैं जो हमें ज्यादा इकोनॉमिकल हैं यानी कम खर्च बाला नशीन है जिसे हम कहते हैं तो ये वाला सीगा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट है बच्चों पहला जो हमारा सफिक्स है दैट इज क्रसी तो कृषि का मतलब क्या होता है रूल जैसे ऑटोक्रेसी है ठीक है थ्योक्रेसी ठीक है जी और थियो मतलब क्या होता है रिलीजन और कृषि इधर भी आ गया

ठीक है, लाइक like मॉलिक्यूल है इसमें रेटिक्यूल है और रेडिक्यूल यानी थोड़ा बहुत मजाक करना डकलिंग एक छोटा होना बतख का बच्चा ठीक है, वो बच्चा जो अभी नेस्ट में रहता है लाइक सेपलिंग किसे हमने पढ़ा था क्लेरिंग इन द स्काई में और सेपलिंग का मतलब क्या होता है यानी छोटा पौधा और इसी तरह गुसलिंग कहते हैं जो गूस यानी बगले का बच्चा होता है नेक्स्ट इज एट तो एट का मतलब ही बच्चों पहले ही रूट ए, ए, सफिक्सिस की तरह क्या है स्मॉल लाइक वी हैव वर्ड किचन एट तो ये हमने में देखा था ये वर्ड सिगरेट वर्ड है ठीक है अशरट है ठीक है अशरट यानी स्मॉल अशर जो होता है के लिए भी ये वर्ड करते हैं ठीक है, है? या जी कहते हैं लाइक बायोलॉजी है आर्कियोलॉजी like है जियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रो पहले भी आ चुका है ठीक है एंथ्रो जो है वो एक आ, रूट आप एक बेस वर्ड कह लें एंथ्रोपिस्ट मिस एंथ्रोपिस्ट फिर एंथ्रोपिस्ट अभी हमने पढ़ा था ठीक है जी तो नेक्स्ट इज ओ एम वाई इसका मतलब बेटा क्या है कानून यानी लॉ लाइक like, एटोन अटौन, एटोनमी है इकोनॉमी यानी मीशत के कवानी टेक्सोनोमी एस्ट्रोनॉमी ये सारे वर्ड्स जो हैं ये ओ एम वाई के सफिक्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं क्स्ट बोर्ड नाउ जी बच्चो सो हेर इज प्रस वी है लाइक एम्प्रस है प्रिंसेस है काउंटस है और डचेस है तो इन सब में जो है ये फीमेल है काउंटस हॉस्टस एम्प्रस एम्पर के प्रिंसेस है प्रिंस है डबल ही डबल ही बेटा कहते हैं रिसिपियंट को जैसे एक तो ई ER आर होता है ना ड्राइवर है ड्राइव से ड्राइवर है ठीक है और एक इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहा है और एक क्या होगा इंटरव्यू यानी जो इंटरव्यू दे रहा है तो इसी तरह अपॉइंटी है एम्प्लॉय है इंटरव्यू है एड्रेसी है रेफ्यूजी है रिटायरी है लास्ट वन इज वर्ड तो वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है यानी की तरफ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम ठीक है जी लाइक वेस्टवर्ड है बैकवर्ड है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है सारा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है अपवर्ड है

ठीक है तो जो तो पहली तीन चीजें हैं लाइक सिनोनिम्स एंटोनिम्स और हैं वो तो हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं रूट्स एंड की बेस पे वी वी हैव सेगमेंट नेम दैट सेंटेंस कंप्लीशन ये जो क्वेश्चन है ये टॉपिक जो है ये पहले भी आता रहा है यानी शुरू से ही यूएचएस में आ रहा है तो पीएमसी ने भी इसको विकैदरी सेक्शन में मतलब के वो आपको आ सकता है तो इसको भी हमने अच्छे से देखना है आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है अभी का कि हम सेंटेंस कंप्लीशन की टिप्स को जानेंगे कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है और कैसे कौन से हम टेक्निकलिटीज को हम फॉलो करें कि हम इसको अच्छा कर सकते हैं तो लेट्स सी जी ऑन द बोर्ड बच्चों सेंटेंस कंप्लीशन का जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट क्या है यानी कैसे ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और एक ब्लैंक जो है वो मिस किया जाता है फॉलोड बाय फोर ऑप्शंस सेंटेंस को आप रीड आउट करते हैं ऑप्शन किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं दिस इज सेंटेंस कंप्लीशन लाइक द टिकट्स टू ऑफ़ द मोस्ट डैश वोकलिस्ट ऑफ टाइम तो टिकट्स जो थी वो सिंगर्स की वो बहुत जल्दी जल्दी से वो सेल आउट हो गई क्योंकि वो डैश वोकलिस्ट है अपने वक्त की तो प्रोमिनंट मॉडरेट कैकोफोनस और अमेज्ड तो चार ऑप्शन है इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे तो दिस इज वट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन और इसमें भी जो है वो आपकी विकैदरी को ही वो देखा जाता है कि आप के किस लेवल पे हैं वी हैव अ फ्यू टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन सेंटेंस कंप्लीशन जो है उसमें तीन चार टाइप्स के सेंटेंस कंप्लीशन आपको आ सकते हैं लाइक विकैदरी बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन है

बड़ा किस्म का एक्सरसाइज होगा तो हमें जो ऐसा वर्ड चाहिए जो इसके डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा एक्सरसाइज के डिफिकल्टी लेवल को मैग्निफाई करके बढ़ा, बताता हो तो जेंटल तो नहीं आएगा ठीक है जी मॉडरेट दरम्याना से है हार्ड वर्किंग भी नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा विगरस तो दिस इज वट यू कॉल वैबरी बेस्ड क्वेश्चन ओके वी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ बच्चों स कंप्लीशन इज ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पहले भी आपके आ, आ चुके हैं टू थाउजेंड एटीन और नाइनटीन का जो पेपर था उसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मौजूद थे और इसीलिए जो है वो हमने इसको भी अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है और ये हमें ऑब्वियसली रखना भी चाहिए इट डैश एजेस सिंस आई लास्ट मेट यू तो एजेस हो गए यानी उम्रे गुजर गए आपसे आखिरी मरतबा मिले तो क्या करेंगे ऑब्वियसली सिलेक्शन करेंगे यहां पे तो चार वर्ब जो है वो यहां पे दिए हुए हैं इज हैज 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 बीन है, तो हम सब जानते हैं कि जब सिंस वगैरह के साथ आपको टाइम का रेफरेंस दिया जाता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में चले जाते हैं तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी बीटा तो ये ग्रामर बेस्ड टाइप का एक डेमो है एनदर टाइप इज कॉलोकेशन बेस्ड कॉलोकेशन बेस्ड में बच्चों ये होता है कॉलोकेशन जैसा कि आप जानते हैं कि पेयरिंग ऑफ वर्ड्स को कहते हैं वो वर्ड्स बेटा जिनका आपस में एक इतना वो इकट्ठे आते हैं कि उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल आजादी राय दही इसकी इंग्लिश आप क्या करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच यू कैन नेवर से इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीच ठीक है ना आजादी की इंग्लिश इंडिपेंडेंस भी तो होती है ना तो व्हाई नॉट टू से इंडिपेंडेंस बिकॉज ये जो पेयर है ये है, इसको लोगों ने इतना यूज किया है कि अब ये एक रूल बन चुका है इसको हम अलग नहीं कर सकते तो collocation. तो collocation में ही होता है। ये लिखा है ये 2019 का सेंटेंस है और उससे पहले 2009 के, के पेपर में डिटूर एक वर्ड है ये चैकिंग में आपको मिलेगा तो इसका भी कॉलुकेशन वाला सेंटेंस आ चुका था तो कॉलुकेशन को भी हमने अंडर कंसिडरेशन रखना है और इसको भी हमने तवज्जो देनी है तो हियर इज अ सेंटेंस यू कैन सी आई डैश द क्वेश्चन इन इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट तो मैंने बहुत एहतियात की इन नाइज को इन चीजों को समझने में तो so, यहां पर बच्चों क्वेश्चन हमने ऐसा वर्ड चाहिए जो क्वेश्चन से कॉलुकेट करे कॉलुकेशन को हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे फिलहाल ये है कि सेंटेंस को हम देखते हैं तो क्वेश्चन के साथ बच्चों जो वर्ड कॉलुकेट करता है वो क्या होता है अर्ज अर्ज कश्चन होता है यू यूयर्प Sure okay तो स है, है, है और चार प्रेपोजिशन दी गई है ठीक है दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वट आई कंप्लेन तो ये वो मिसाल नहीं है जिसके मुझे शिकवा है जिसका मैं शिकायत कर रहा हूं तो कंप्लेन ऑफ का सेंस यहां पर बन जाएगा ओके जी ओके बेटा दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल इट हाउ टू कमांड ओवर इट तो फोर थिंग्स यू पीपल आर सपोज़ टू पुट इन योर माइंड ओके द फर्स्ट वन इज नेवर गो फॉर द ऑप्शंस ओके आमूमी तौर पे बच्चे ये करते हैं कि सेंटेंस पढ़ते हैं फिर एक-एक ऑप्शन -एक को सेंटेंस में फिट कर कर देख रहे होते हैं तो बेटा टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी ओके तो आपने ऐसा नहीं करना आपने करना है कि सेंटेंस को पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको इमेजिन करना है फिर जो इमेजिन करेक्ट ऑप्शन होगी उसको गिवन ऑप्शंस में से आपने देख लेना है तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस कंप्लीशन का पहला फॉर्मेट यानी नेवर गो फॉर द ऑप्शंस फर्स्ट रीड द सेंटेंस इमेजिन द करेक्ट ऑप्शन गो फॉर द ऑप्शन नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल वर्ड्स ट्रांजिशनल वर्ड्स मोस्ट कॉमनली नोन एज सिग्नल वर्ड्स तो ये भी हमें आते हैं इस ये सेंटेंस में मौजूद होते हैं बहुत फेसिलिटेट करते हैं आपको जानने में कि ये सेंटेंस जो है इसमें बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है और आप सेंटेंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में ये आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं सेम इज द केस विद क्लू और कीवर्ड्स तो कीवर्ड्स हैं बच्चों कीवर्ड्स क्या होते हैं ये क्लूज क्या होते हैं सेंटेंस बेटा जैसे आप पढ़ते हैं ना तो आपको आइडिया होने लग जाता है कि इस सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स में ये क्या बात हो रही है ठीक है ना वो बात का मकसद क्या ऑब्जेक्ट क्या तो उसको आप समझते हैं उसके साथ जब सिग्नल वर्ड्स को आप उसके साथ कोरिलेट करते हैं तो सेंटेंस तो आपने आपको एक्सपोज कर देता है तो इसको भी हम प्रैक्टिकल जब एग्जांपल्स करेंगे तो इस पॉइंट को भी हम अभी देखेंगे तो क्लूज और कीवर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट इज पुलरिटी ऑफ द ऑप्शन बेटा ऐसा भी होता है कि जो आपको सेंटेंस दिया जाता है ना उसमें हमें जो ऑप्शन चाहिए करेक्ट वाली वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में जा रही है कि नेगेटिव कॉनोटेशन में ट्रेवल कर रही है तो ये चीजें भी हम देखते हैं ये सारी चीजें मिलकर हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं सेंटेंस कंप्लीस को हैंडल करने में क्लियर वी नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड ओके बच्चों, नेक्स्ट इज सिग्नल वर्ड्स तो सिग्नल वर्ड्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेंटेंस कंप्लीशन ये कितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको तीन एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर करता हूं देखो बेटा एक सेंटेंस है आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई मैं थका हुआ हूं और मैं तो एंड बच्चों यहां पर आपका सिग्नल वर्ड है और ये आई एम एग्जॉस्टेड ये आपका है ये clue है या नहीं। तो clue आपको ये क्लू क्लू है है यानी तो तो आपको बता रहा है कि मैं थका हुआ हूं और तो और से मुराद है कि जो आइडिया पहले डेवलप किया है सेंटेंस एंड के बाद वही आइडिया उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी फ्लो में ट्रेवल करेगा दिस इज व्हाट यू कॉल सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स सपोर्ट से मुराद ये है कि एंड अगर सपोर्ट सिग्नल वर्ड है तो जो इससे पहले हो चुका है बात आगे आने वाली बात भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रेवल करेगी इज दैट ओके जी तो आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई वॉन्ट टू रेस्ट क्लियर इसी तरह जी आई एम एग्जॉस्टेड बट आई मैं बहुत थका हुआ हूं लेकिन आई एम एग्जॉस्टेड बट आई बट आई प्ले द नेक्स्ट गेम एज वेल बट आई अकंपनी यू बट आई गो फॉर द शॉपिंग तो इससे मुराद है कि जो भी आइडिया पहले डेवलप किया गया है बट उस आइडिया को निगेट कर रहा है बट कह रहा है कि आगे जो चीज आएगी वो डिफरेंट आएगी इज ओके okay जी सिंस आई डोंट लाइक इट क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ठीक है मुझे चीज पसंद नहीं डैश तो बेटा अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा ऑब्वियसली यू यूल नॉट गो फॉर दैट थिंग तो दिस इज वट यू कॉल सिग्नल वर्ड्स तो ये मैजिक ऑफ सिग्नल वर्ड्स आपने देख लिया क्लियर हो गया बेटा वी हैव

ज एंड इफेक्ट सिग्नल वर्ड्स फॉर क्योंकि फॉर जो है ये कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फॉर का मतलब क्या बन जाता है क्योंकि फॉर प्रशन के मीनिंग में कनेक्टिविटी को शो करता है और जब ये कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर आता है तो इट मीनस क्यों के सिंस चूंके ड्यू टू कॉन्सिक्वेंटली नतीजातन गोइंग टू बिकॉज इफ सी ऑल दीज आर्ट कॉज एंड इफेक्ट सिग्नल वर्ड्स ओके सो हियर इज एग्जाम्पल्स

अब ये नहीं बोलेंगे आई एम हैप्पी एंड है ठीक है ना तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है तो द डाइनिंग रूम दाइनिंग डार्क एंड ग्लूमी एंड द फूड वॉज सिमिलरली इन डैश इन चाम तो खाना जो था वो भी उसी तरह इन चाम डैश था तो बेटा डाइनिंग रूम जो था वो बड़ा डार्क था ग्लूमी था वहां पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था और खाना भी उसी कॉन्टेक्स्ट में एंड तो ये एंड आपको ये बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप किया है इस हिस्से में आपने क्या आइडिया डेवलप किया है डाइनिंग रूम के मतलब यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली आपको अच्छा नहीं लग रहा तो एंड तो इधर भी आप थोड़ा नेगेटिव में है ये क्लूज है ना आपके ये क्लू है आपका डार्क एंड ग्लूमी ठीक है ना तो क्लू आपको मिल गया ये आपका सिग्नल वर्ड और फिर आपने आज ये देख लिया कि सपोर्ट सिग्नल वर्ड है जो आइडिया इधर डेवलप हुआ है वही आइडिया आगे ट्रेवल करेगा तो ऑप्शन आर यमी नो हमें पुलैरिटी भी यहां पर पता चल गई हमारा पुलैरिटी क्या है यानी हमारी जो ऑप्शन है वो किस कॉनोटेशन में जा रही है पॉजिटिव कॉनोटेशन में जाएगी नेगेटिव कॉनोटेशन में जाएगी वी नीड अ नेगेटिव वर्ड हियर ओके यमी इज अ पॉजिटिव वर्ड वी डोंट नीड इट ग्रोइंग इज अ पॉजिटिव वी नॉट डोंट नीड इट अगेन पॉजिटिव है नहीं चाहिए लैकिंग ज आर करेक्ट चॉइस इज दूव टू दोर्ट फॉर फर्दर एग्जाम्पल बेटा हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रास्ट सिग्नल फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है आई एम द मोस्ट एमिकेबल मेंबर ऑफ माई फैमिली जब आपने कहा कि मोस्ट एमिकेबल मेंबर तो बेटा ये क्या है ये क्लूज है ये की वर्ड है मैं बहुत ही फैमिली में एक फ्रेंडली टाइप का आदमी हो वेर एस जबकि माई एल्डर ब्रदर इज रिगार्डेड तो ये आपका वेयर आपका क्या है सिग्नल वर्ड है कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है ये आपको बता रहा है कि जो आइडिया आपने इस हिस्से में डेवलप कर लिया है इस सिग्नल वर्ड के बाद चीजें जो है वो डिफरेंट वे में ट्रेवल करेंगे क्लियर हो गया तो अगर आप फ्रेंडली हैं और आपका जो बड़ा भाई है तो वो फिर क्या होगा ऑब्वियसली अनफ्रेंडली होगा तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए ठीक है जी क्लूज मिल गए सिग्नल वर्ड मिल गया पुलैरिटी ऑफ द ऑप्शन वो भी सामने आ गई कि नेगेटिव में चाहिए कि पॉजिटिव में चाहिए तो प्रोफ्लिगेट हमने पढ़ा था ओवरकोट में अश को कहते हैं एपिक्यूरियंस को कहते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है ऑर्थोडॉक्स हमने चिप्स में देखा था कन्वेंशनल को कहते हैं हमारा ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें जो नेगेटिव हमें चाहिए ना नेगेटिविटी वो एमिकेबल का उलट चाहिए अगर आप एमिकेबल हैं अगर कोई आदमी अगर मैं फ्रेंडली हूं तो इसका एंटेनेम क्या होगा अनफ्रेंडली ऑबियसली तो इसका एंटेनेम ये नहीं होगा कि ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स भी एक लिहाज से नेगेटिव वर्ड है लेकिन क्लू हमें यह बता रहा है कि एमिकेबल का एंटेनेम हमें चाहिए ऐसा वर्ड चाहिए जो एमिकेबल के अगेंस्ट हो पीविश चिड़चिड़ा बैड टेम्पर्ड दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन पॉन्टिफिकल पॉन्टिफिकल का मतलब होता है घुमंडी थोड़ा एरोगेंट तो एरोगेंट भी उसका जो है वो एमिकेबल का एग्जैक्ट से वो इसका एंटेनिम नहीं है हां अगर मैं यहां पे लिख दू कि आई एम द मोस्ट सबमिसिव या डुसाइल मेंबर ऑफ माय फैमिली तो देन एंड देयर पॉन्टिफिकल में बी और वुड बी रादर राइट ऑप्शन तो पॉन्टिफिकल भी इस कॉन्टेक्स में इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा अनदर एग्जांपल एग्जाम्पल द केसेज ऑफ हाई ट्राइग्लेस्ट्राइड्स आर इंक्रीजिंग हाई ट्राई के जो केसेस हैं ठीक है वो बढ़ रहे हैं लोगों में फॉर द पीपल आर क्योंकि जो लोग हैं ना तो इंक्रीजिंग यहां पे कॉमा है फॉर द पीपल आर डैश ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मॉर्निंग वॉक तो बच्चों हाई ट्राई के केसेस बढ़ रहे हैं लोग बीमार हो रहे हैं ओके तो वजह क्या है रीजन ये बयान की जा रही है फॉर द पेपर यानी ये जो है ये इफेक्ट पहले में इफेक्ट और इस समय में, में रीजन ढूंढनी है इफेक्ट में हमने क्लू मिल गया कि समथिंग इज गोइंग बैड कुछ बुरा हो रहा है लोगों के साथ उनकी हेल्थ के साथ और ये हमारा सिग्नल वर्ड आ गया फॉर ये कॉज को शो करेगा इफेक्ट आ गया वी नीड कॉज

ठीक है जी कॉन्शियस ठीक है जी ये भी नहीं आएगा पेपर आर अगर कॉन्शियस होते तो क्यों पढ़ते वो वेल नोन नो तो इग्नोरेंट इज आर करेक्ट ऑप्शन अभी हमने बात की थी कि सेंटेंस कंप्लीशन में मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी आती है इसमें जो है वो ग्रामर बेस्ड भी हैं, इसमें जो है वो वैकैबलरी बेस्ड भी हैं। ये जो हमने जितनी भी अभी तक ड्रिल की है ये वैकैबलरी बेस्ड से रिलेटेड थी जहां तक बात है जो ग्रामर बेस्ड की और प्रपोजिशन बेस्ड की यह आप पार्ट ऑफ स्पीच में आसानी से मैनेज कर लेते हैं एक और सेगमेंट है दैट वी कॉल हैलोकेशन बेस्ड भी आ चुके हैं कोलोकेशन क्या है वर्ड्स के पेयर हैं हैंड पेयर ऑफ वर्ड्स वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो स्टैब्लिस्ड हो चुके हैं बल्कि पेयरिंग आप क्या लें वो जोड़े और वो जोड़े जिनका आपस में निकाह हो चुका है जो एक दूसरे के मनकुहा हैं आप उनको अलग नहीं कर सकते ये हलाल जोड़े हैं तो हलाल जोड़े कौन कौन से हैं वो देखते हैं यानी देखना तो यू नेवर सी ड्रीम क्लियर आप हमेशा हमने लेसन भी पढ़ा था सेट इस्टिश रैकेट आप रैकेट जो है वो बनाते हो तो यू नेवर मेक रैकेट यू इट्स रॉन्ग टू से करेक्ट वन इज सेट याट इन द सेम वे जो टूथ है दांत तो नकली दांत के लिए द करेक्ट वर्ड वन इज फॉल्स टूथ नेवर से फेक टूथ हालांकि लग रहा है कि नकली कहना है तो हम फेक कहेंगे ना लेकिन ऐसा नहीं है क्या फॉल्स टूथ हालांकि फॉल्स का मतलब क्या होता है झूठा लेकिन कॉलोकेट यही करता है एनदर एग्जाम्पल गोल है गोल करना मेक स्कोर गोल यू नेवर से डू गोल इट्स ओके जी मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ

लेकिन इसका मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है जो नॉर्मली आपको सिनोनिम्स आते थे प्रीवियसली जो बच्चे करते आ रहे हैं आपसे पहले वो ये था कि आपको एक हेडवर्ड दिया जाता था फॉलोड बाय फोर ऑप्शंस ठीक है यू हैव नो ऑप्शन अबाउट द मीनिंग ऑफ द हेडवर्ड और द गिवन वर्ड ठीक है आप बहर उसको देखते थे वो आपको एक जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती थी उसमें से था या आपको बुक वन टू थ्री फोर में से था आप ऑप्शन की तरफ चले जाते थे वर्ड इन सिमिलर मीनिंग्स को आप फाइंड आउट करके ओके okay कर देते थे लेकिन कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्शुअल्स में थोड़ा इस इस क्वेश्चन का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है इसका मिजाज बच्चों ये है कि आपको सेंटेंस दिया जाता है और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है और उस अंडरलाइन वर्ड को ही उस सेंटेंस में ही समझा दिया जाता है कि इसका मतलब इसका मीनिंग क्या बन रहा है और ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है जो जो वर्ड का एक लिटरल मीनिंग होता है या जिसे हम कहते हैं कि मीनिंग होता है उससे भी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल हमने जब पढ़ा था फर्स्ट ईयर अट तो उसमें हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि स्कॉलरशिप का वर्ड आया था तो स्कॉलरशिप से वहां मुराद कोई कोई वजीफा नहीं था वहां स्कॉलरशिप कॉन्टेक्सुअल मीनिंग में जो सेंटेंस वहां था उसमें बन रहा था नॉलेज इसी तरह वाइबर्स फेल इन कॉलेज में एक सेंटेंस है कि नेवर नोज द रियल एप्लीकेशन इज तो यहां पे एप्लीकेशन का से मुराद कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि यहां एप्लीकेशन से मुराद क्या है यानी हार्डवर्किंग मेहनत हार्डवर्क तो इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल बुक इसी तरह दो वर्ड हमने पढ़े बुक वन में फिक्स थैंक यू मैम पढ़ा ठीक है वाइल आई फिक्स अपथिंग फॉर यू तो मैं कुछ आपको खाने के लिए आपके लिए कुछ पकाती हूं तो इसी तरह फिक्स का वर्ड को हमने पढ़ा पढ़ाइन गोल्डन आइट में एटम फिक्स इन न्यूयॉर्क तो बेटा जो होते हैं ये कॉन्टेक्स्ट में जाके मीनिंग डिफरेंट भी हो जाते हैं तो इसमें बस इतनी सी टेक्निकलिटी है इन कॉन्टेक्स्ट में कि आपने वर्ड का जो मीनिंग है सेंस में देखना है कि ये जो गिवन सेंटेंस है इसमें इसका मतलब क्या बन रहा है आपने उसके डिक्शनरी मीनिंग को बॉडर नहीं करना अगर आपको लगे कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है तो आप उस ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे तो दिस इज यू कॉल वॉलिम इन कॉन्टेक्स्ट चूंकि इसमें भी एक सेंटेंस दिया जाता है तो जो जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की थी सेंटेंस कंप्लीशन में सेम विल गो दिस क्वेश्चन उसमें क्या था उसमें हमने सबसे पहले तो ट्रांजिशनल वर्ड्स थे मारे ठीक है उसमें क्लूज थे हमारे पास ठीक है जी और उसमें पुलैरिटी थी तो इस सारी चीजें इधर भी वर्कआउट करेंगी ओके सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस ही मेड अ शो ऑफ हिज एड्रॉइटनेस उसने अपनी एड्रॉइटनेस का शो यानी किया एड्रॉइटनेस का अमली मुजाहरा किया एंड फैसिनेटेड द ऑडियंस विद लाइफ टाइम परफॉर्मेंस तो बेटा एंड क्या है जी सपोर्ट सिंगल वर्ड है फैसिनेटेड द ऑडियंस उसने ऑडियंस को फैसिनेट कर दिया तो फैसिनेट ऑडियंस से क्या मुराद बन रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया, तो इस मुराद ये आपका सिग्नल वर्ड पुलरिटी ऑफ द ऑप्शन आपको फील हो रहा है समथिंग पॉजिटिव तो कॉनोटेशन में यह वर्ड आएगा तो एक्जर्शन का मतलब क्या होता है थकान नहीं चाहिए प्रोटेंशन

एंड प्रेस्टीज है वही जो है वो अमूमी तौर पर कानून की दचकिया उड़ाते हैं तो क्या बेटा जिस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड जो है वो फ्लो कर रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रेस्टीज का वर्ड है तो प्रोफ्यूजन हमने पढ़ा था बुक वन में इसका मतलब तो कसरत होता है नो आएगा इन्फ्लुएंस नो ओके वीकनेस आजी है नो रिबेलियस नो तो क्या जाएगा इन्फ्लुएंस यानी वो लोग जिनके जिनमें इन्फ्लुएंस होता है जो बड़े बड़े असर होते हैं पैसा बहुत होता है उनके पास वही लोग जो हैं वो कानून की दचिया उड़ाते हैं स्पेल्ड तो बेटा ये वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी आ रहे हैं पिछले एक दो सालों से ना तो पिछले साल में भी आए थे ये तो बच्चों इसमें जो है कोई एक तो ये चीज आप समझ लें कि स्पेलिंग्स के हवाले से कोई सेट और जो है ना आप फिक्स किस्म के रूल्स नहीं है लोगों ने अपने तजुर्बे से जिसको कहते हैं ना लॉ ऑफ थम या रूल ऑफ थम ठीक है तो उससे जो है वो हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो निकाले हुए हैं लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के साथ आप इनको हर जगह पे राय नहीं कर सकते ठीक है लेकिन ये है कि जो भी पॉइंट्स हम आपसे शेयर करेंगे इस लेक्चर में और कमिंग लेक्चर्स में भी जब हम बुकैब की लिस्ट को रीड आउट करेंगे तो चीज़ें आपसे शेयर हम करते रहेंगे तो इन शजीज आपको वो काफ़ी हेल्प आउट करेंगी तो आज हम एक दो पॉइंट्स को देखते हैं लेट्स सी बेटा ये कंफ्यूजन होती है कि आई आए ई आएगा कि ई आई आए आए आएगा ठीक है तो इस कन्फ्यूजन को रिजोल्व करने के लिए एक बड़ी वेल नोन किस्म की राइम है जो चलती है आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी यानी आई जो है वो ई e से पहले आएगा लेकिन जब सी लेटर आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा फिर ई e और I आएगा ठीक है इफ द साउंड इज ई लेकिन ये ऊपर वाला जो है इसमें कंडीशन भी नीचे दे दी गई है कंडीशन ये है कि साउंड क्या होना चाहिए ई साउंड ओके तो आई बिफोर ई except after c when the sound is if the sound is e is that okay जी for example हम receive इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इसका sound e में है e receive e ठीक हो गया और c है तो e आया आ गया clear है इधर भी c है तो e आया आ गया और sound भी क्या है e sound है conceive deceive e sound है ठीक है जी सीव ई साउंड है इज दट ओके लेकिन ऑब्वियसली जब सी नहीं आएगा तो आई आए बिफोर ई e. वो आपको याद है ना तो यहां पे सी नहीं है लिहाजा आई ई e आ गया इधर भी सी नहीं है साउंड ई e है लेकिन सी नहीं आया तो रिलीफ नीस आई ई सी बाद में आया पहले नहीं आया आई ओके लेकिन बच्चों जब साउंड ई e नहीं होगा तब क्या मामला होगा देखें यहां पर सी तो आया हुआ है, लेकिन यहां पे हमने आई ई e कर दिया ई e, आई नहीं किया द रीजन बींग यहां पे साउंड ई e नहीं है साइंस इट्स नॉट सी अगर सीन्स पढ़ते तो तब फिर क्या आता ई आई एफिशेंट सी तो आ गया लेकिन बाद में क्या आया आई ई द रीजन साउंड ई नहीं है एफिशेंट ठीक है इट्स नॉट इफिशेंट या एफिशियंट uh, नहीं है एफिशियंट नहीं है अगर ये होता तो तब हम इसको ई आई कर लेते इसी तरह फैन वर्ड है ठीक है इसमें सी नहीं है तो ई आई आ गया फैन इसी तरह वेन वर्ड और इसकी भी रीजन क्या है थी के साउंड ई नहीं है फेन क्लियर है वेन बहरहाल ये जो सारे पॉइंट्स है ना इनमें हम ऐसा नहीं है कि हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते लेकिन फिर भी ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं स्पेलिंग्स uh, को में मास्टर करने में और अच्छे स्पेलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका अच्छा पोनंसिएशन है ठीक है जब आप बेटा वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे और उनको प्रॉपर सिलेबल्स में जो है वो आप सीखेंगे तो स्पेलिंग्स नेचुरली आपके बेहतर होंगे सो द फर्स्ट एंड वेरी क्रूशल टिप एंड इंपॉर्टेंट टिप इज टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन ओके मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड फॉर अ फर्दर पॉइंट एक और कंफ्यूजन बच्चों के ए आर वाई है कि ई आर वाई है बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ई आर वाई एंडिंग है बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ए आर वाई एंडिंग है ओके तो ये कंफ्यूजन भी हम रिजोल्व करते हैं लेकिन अगेन आई हैव टोल्ड यू कि स्पेलिंग्स में या स्पेलिंग के रूल्स में यू नेवर एवर गिव द स्वीपिंग स्टेटमेंट इट्स ऑल अबाउट द रूल ऑफ थम कुछ चीजें हैं जो हमें आ, कुछ वर्ड्स तक आ, जो है वो हेल्प आउट करती हैं बट रिमेंबर एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर एंड दे आर मैनी ओके बट स्टिल एक एक मिथ है एक जनरल एक परसेप्शन है एक एक्सपीरियंस है लोगों का क्या वो मैं आपसे शेयर करता हूं वो ये बच्चों की ईआर वाई एंडिंग वर्ड्स जो, e nouns हो जो e है ना दे टेंड टू बी नाउन्स यानी जो ई आर वाई एंडिंग वर्ड होंगे फॉर एग्जाम्पल मोनेस्ट्री इज अ नाउन स्टेशनरी साकिन की सेंस में नहीं कागज पेंसिल वगैरह के सेंस में स्टेशनरी नाउन होता है सिमेट्री कटलरी आर्टरी स्नोबरी ब्रूवरी ब्रूब्री मशीनरी मोक्री ट्रिकरी ज्वेलरी एक्सेट्रा ऑल दीज वर्ड आर नाउन इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पेपर में कंफ्यूजन हो कि ए आर वाई है कि ई आर वाई है तो हम ये देख लें कि वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ठीक है अगर वर्ड नाउन है तो वो बेटर गो फॉर ई आर वाई और अगर वर्ड एजेक्टिव है तो देन यू मे गो फॉर ए ए आर वाई ओके ए आर वाई एंड वर्ड की भी एग्जाम्पल देख लें बाउंड्री है प्राइमरी है ट्री आर्बिट्ररी स्टेशनरी देखो ये स्टेशनरी ए आर वाई है ठीक है इसका मतलब क्या है और ऊपर स्टेशनरी दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री है सेकेंडरी रिएक्शनरी डिसिप्लिनरी एडवर्सरी सोलटरी ओके सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड नाउ बेटा जी डी स्टूडेंट्स तो विकैबरी में हम जानते हैं रूटिक्सेशन वर्ड फॉर्मेशमोनिक्सिकल थिंग्स स्पेशली रूट सो हाउ वी गोना गो विद वरी तो लेट स्टार्ट फर्स्ट वर्ड नाउ थ्री जीरो वन देखते हैं laborious. तो laborious जो है वो लेबर से निकला हुआ है वर्ड फॉर्मेशन में आ जाता है लेबर किसे कहते हैं मेहनत को तो लिबोरियस कहते हैं हेक्टिक फिटीगिंग ऐसी चीज जो बहुत ही स्ट्रेनवस टाइप हो बहुत मेहनत तलब हो लेसरेट का मतलब होता है कट करना कट लगाना स्लैश ठीक है Rip करना किसी चीज को 303 देखें लैक लस्टर तो ये वर्ड जो है ये अपना एक जो इमेज है ना जो अपना एक इसका फेस है उसी से हमें ये समझ आ जाता है लैक लस्टर लैक का मतलब क्या है कमी लस्टर कहते हैं एक चमक दमक तो लैक लस्टर कहते हैं किसी चीज का डल होना ठीक है उसका इतना ज्यादा वाइब्रेंट टाइप ना होना ठीक है अन इंस्पायरिंग जो आपको इतना इंप्रेस ना कर रही हो 304 जीरो फोर लेवेश दो मीनिंग है लेविश के लेविश का मतलब यानी थोड़ा फजूल खर्च टाइप भी होता है और लेविश मैंने लग्जोरियस टाइप भी होता है जिसमें आप कुछ ज्यादा ही खर्च कर देते हैं थोड़ा अयाशी की सेंस में भी आ जाता है ना तो 3.05 में स्टूडेंट्स देखते हैं लेजिटमेट तो इसमें एल ई जी का एक रूट है हमारे पास तो लेट सी द रूट नाउ एल ई जी एल ई जी कहते हैं स्टूडेंट्स लॉ को तो कानून को कहते हैं जैसे लीगल है ठीक है इसमें एल ई जी लीगल है इलीगल यानी गैर कानूनी लेजिटमेट हमारा वर्ड है ठीक है जायज यानी किसी चीज का लीगल होना लेजिस्लेशन कानून साजिश से मुतलिक है कानून बनाने से मुतल एलिगेशन किसी पे कोई चार्ज लगाना कानूनी कानून की में किसी पे कोई चार्ज इल्जाम वगैरह लगा देना तो का बच्चों क्या आ जाएगा यानी लीगल चाइस तो लॉफुल है जी वर्ड्स थ्री जीरो सिक्स है ए, लीजन तो लीजन कहते हैं इंजरी को वोट को जख्म को ठीक है थ्री जीरो सेवन देखते हैं लीथल कॉमन वर्ड है lethal, लीटल का मतलब क्या होता है पॉइजनस किसी चीज का जहरीला होना तो 308 में लाइनेज वर्ड है और लाइनेज जो वर्ड था ये हमारे पास बुक टू में ना लेसन नंबर टेन में मौजूद था ठीक है द जूवल ऑफ द वर्ल्ड में तो लाइनेज का मतलब होता है नस्ल ठीक है तो लाइनेज में भी एक रूट हमारे पास मौजूद है तो एल आई एन की रूट है जी एल आई एन स्टूडेंट्स कहते हैं लाइन को कितार को जैसे अलाइनमेंट होता है अलाइन तो एक चीजों चीज को तरतीब में ले आना कतार में ले आना लिनियर कहते हैं इन द सेम लाइन तो लाइनेज यानी एक पीढ़ी में होना एक लाइन में होना एक नस्ल में होना तो को का मतलब क्या होता है टुगेदर यानी इकट्ठे एक जैसा तो कुलिनियर यानी इन द सेम लाइन एक ही लाइन में होना तो 308 में लाइनेज हमने देख लिया फैमिली से रिलेटेड है नस्ल पीढ़ी से रिलेटेड है यानी थ्री जीरो नाइन है लॉफ्टी लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत आला सुप्रीम किस्म का बड़ा एलोवेटेड बड़ा बुलंद टाइप थ्री टेन जो हमारे पास रूट है इसको हम पहले भी देख चुके हैं तो लेट सी इट अगेन एल ओ जी यू आ जाए या एल ओ क्यू यू आ जाए दोनों का मतलब क्या है टॉक लाइक ट्रेवल लॉग है सफरनामे से रिलेटेड है सफरनामा लिखना उसकी बातें करना प्रोलाग तो तो प्रोलॉग कहते हैं प्रो मैंने पहले भी होता है ना प्रो मैंने इन फेवर भी होता है पी आर ओ प्रो इसका मतलब इन फेवर भी है प्रो मैंने पहले भी है और प्रो मैंने फॉरवर्ड भी है तो ये प्रीफिक्स है इसको भी हम आगे चल के देखेंगे तो प्रोलॉग कहते हैं किसी तहरीर से पहले को मुकालमा लिख देना या बोल देना स्पीच वगैरह तो एपिलॉग कहते हैं किसी तहरीर के बाद जो है वो किसी बुक को आप बुक लिख रहे हैं कुछ आप कह रहे हैं तो उसके बाद की जो स्पीच है एपिलॉग मोनोलॉग मोनो का मतलब क्या है वन तो मोनोलॉग मैंने एक शख्स की तकरीर डायलॉग हम जानते हैं एक तकरीर एक मुकालमाबाजी को कहते हैं कैटलॉग एक फेरिस बना देना ठीक है कैटा यानी डाउन ले आना ऐसे कैटा का मतलब क्या होता है डाउन ठीक है हमने पहले प्रीफिक्स देखा हुआ है कैटाकॉम ठीक है कैटेलिस्ट ठीक है और कैटेस्ट्रॉफी इसमें हमने देखा था एलोक्वेंट इसमें भी आ गया जी एलोक्वेंट का मतलब भी क्या होता है बड़ा जामे किस्म का फसाहत व वा बलागत वाला सोलवी एल ओ क्यू यू अगेन आ गया सेल्फ टॉकिंग को कहते हैं एलोक्वेंट जो बात करने में बहुत अच्छा है और खुद से टॉकिंग करना एल ओ क्यू यू अगेन आ गया कोलोक्वियल कोलोक्वियल कहते हैं ऐसे एक्सप्रेशन जो आप स्पोकन में यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स ऐसी बातचीत सोमनी एल ओ क्यू यू आ गया सोम नींद को कहते हैं नींद में बातें करना ग्रैंडी लुक्वी तो ग्रैंडी लुक्वियंट कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करना बड़ी बड़ी छोड़ना तो थ्री टेन में हमने इसको जरा रिफ्रेश कर लिया तो का मतलब होता है टॉकेटिव बहुत ही बातूनी थ्री इलेवन कहते हैं लुक्रेटिव लुक्रेटिव कहते हैं जिसमें आपको मॉनिटरी बेनिफिट अच्छा मिलने वाला है बहुत ही प्रॉफिटेबल टाइप जैसे अक्सर लोग कहते हैं लुक्रेटिव जॉब वो कर रहा है बड़ी बढ़िया जॉब कर रहा है उसमें इसको आमदन बहुत ज्यादा मिल रहा है थ्री ट्वेल्थ देखते हैं लुडिक्रस लुडिक्रस कहते हैं रेडिकुलस बड़ा का खेस तो थ्री वन थ्री में लुमिनस देखें तो इसमें भी हमारे पास एक रूट है तो एल्यूएम का रूट है तो एल्यूएम कहते हैं स्टूडेंट्स लाइट को रोशनी को जैसे आप कहते हैं लुमिनसिटी रोशनी से रिलेटेड है इल्यूमिनेट रोशन करना

इसका मतलब क्या मून चांद तो ल्यून है जी जो क्रेसेंट शेप्ड होता है ना चांद की शक्ल जैसा क्रेसेंट शेप्ड उसको कहते हैं एलियन -E, ल्यून लूनर कहते हैं चांद से मुतलैटिक तो प्रीवियसली ये चलता था माजी में चांद की मूवमेंट के हिसाब से लोग कहते थे कि चांद की जो मूवमेंट है यह इंसानी दिमाग पे असर करती है तो उसमें पागलपन का इसको इसके साथ एसोसिएट करते थे तो ल्यूनेटिक का मतलब यानी पागलपन से सरकम ल्यूनर तो सरकम हम जानते हैं क्या होता है, है।, मतलब है? राउंड गोल इसको हम पहले देखे हुए हैं तो ल्यूनर यानी गोल चांस के इर्द गिर्द मूवमेंट से रिलेटेड है ये वर्ड ठीक है जी तो ल्यूनेसी कहते हैं पागलपन यानी इंसैनिटी तो सैन को भी हम जानते हैं सैन का भी हमने रूट देखा हुआ है सैन किसे कहते हैं हेल्थ को तो इसमें सैनिटोरियम देखा था आपने ठीक है सैनिटाइज देखा था और जो है वो इनसेनिटी सेन ये सारे वर्ड हमने और था सैनिटरी कंडीशन सैनिटरी वर्ड देखा था हमने ये सारी चीजें देखी थी थ्री वन फाइव देखे मैकेविलियन तो मैकेविलियन जो है ना बच्चों वर्ड ये एक इसके मुतालिक आप ये जान लें कि ये एक नॉवलिस्ट थे और जिनका नाम मिस्टर मैकियावेल मैकियावेली था और इन साहब ने एक बुक लिखी द प्रिंस और उसमें इन्होंने एक अप्रोच दी और उस अप्रोच का नाम जो क्रिटिक्स ने रख दिया वो मैकियावेलियन अप्रोच था इनका ये कहना है कि अपनी जाति जो है वो आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप किसी आदमी को भी धोखा दे दें कुछ भी कर लें इट्स फेयर तो इस अप्रोच को तब से लोग क्या जानते हैं मैकियावेलियन अप्रोच के नाम से यानी बहुत ही आर्टफुल टेक्टिक किस्म की बहुत ही डिवियस किस्म की धोखेबाज टाइप जो होता है ना वो ये मामला जी तो नेक्स्ट देखते हैं थ्री वन सिक्स मैग्निमस तो मैग्निमस कहते हैं बड़ा फराग दिल ठीक है जानरस जिसे हम कहते हैं तो थ्री वन सेवन और थ्री वन एट और साथ में थ्री वन नाइन ये तीनों वर्ड्स जो तो हैं वो एक ही प्रीफिक्स के साथ हम डील कर रहे हैं तो गुड तो मैल के लिए क्या वर्ड्स है लेट्स सी ऑन द बोर्ड नाउ तो थ्री वन सेवन है थ्री वन एट और नाइन मैल मैल का मतलब बुरा फर्स्ट है जी मैलिस तो मैलिस जो वर्ड है वो चिप्स की कमेंट्री में मौजूद है लास्ट में तो मैलिस का मतलब क्या होता है कीना बोगस तो मिलाइन वर्ड पैसर में मौजूद था मिलाइन मैलडिक्शन तो इसमें डिक्ट आ गया डिक्ट का इसमें रूट है डिक्ट का मतलब क्या होता है वर्ड्स तो, तो मेलेवलेंस कहते हैं अच्छी बुरी फीलिंग्स आना किसी भी चीज के मुतालिक मिक्स्ड फीलिंग्स टाइप आना मेलिजन कहते हैं कर्स को ये पुराना वर्ड है इसको आर्के वर्ड कहते थे आउटडेटेड वर्ड्स कहते हैं मेलेडिक्शन तो मेल एडिक्शन हम इसको रिपीट हो गए तो मैल एड्रॉइड तो मैल है जी इसमें प्रिफिक्स और एड्रॉइड हम जानते हैं एक्सपर्ट तो एड्रॉइड का मतलब क्या बन रहा है डन ऐसा काम जिसको आपने अच्छे से नहीं किया तो नेक्स्ट है मेल मेल ओड्रस तो मेल ओड्रस कहते हैं ओड्रस का मतलब क्या होता है स्मेल तो मेल ओड्रस कहते हैं बुरी स्मेल से मुताल तो मेलफिस कहते हैं बुरे अमाल बुरा काम रॉन्ग डूइंग इसी तरह मेल न्यूट्रिशन देख लें ठीक है बायो में जानते हैं, 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 mal भी इसमें, है इसमें तो तो काफी words इससे बन जाते हैं। तो इसमें देखें 3, 1, को कहते हैं। बद्दुआ, कर्स और अभी हम जाने थे कि का मतलब है अच्छी बुरी फीलिंग्स और मेलेवलेंट का मतलब मेलिश भी होता है यानी किसी के साथ कीना नफरत बोगस की सेंस में नफरत तो मेलिस का मतलब भी की ना बोगी वन सेवन एट नाइन और ट्वेंटी मिलाइन का मतलब भी क्या होता है किसी को बदनाम करना उसको बुरा भला कहना कंडेम करना सिलेंडर जैसे कहते हैं कीचड़ उछालना जैसे हम कहते हैं तो थ्री ट्वेंटी वन पे आ जाए तो थ्री ट्वेंटी वन जो है मैनिफेस्ट है स्टूडेंट्स मैनिफेस्टेशन वर्ड जो था वो आप अपना टेक्स्ट बुक में पढ़ें तो मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है इजहार करना और मैनिफेस्टेशन हमने फर्स्ट ईयर अठहरों में देखा था 322 मीगर है और मीगर का मतलब क्या होता है मामूली इनसेफिशेंट स्कैंटी तो मेडिटेट कहते हैं बहुत गौरव फिकर करना किसी चीज पे ठीक है पौंडर करना पौंडर ओवर जैसे कहते हैं और 324 में मेलनकली है और मेलनकली हम पढ़े हैं द रिवॉर्ड में ली का मतलब क्या होता है उदासी और ये नाउन भी है वर्ड और यही वर्ड इसी स्पेलिंग के साथ भी है यानी उदास भी है और उदासी भी है और 325 देखें मेलोडियस तो मेलोडियस का मतलब होता है बड़ा ही सुरीला तो फॉर फर्दर वर्ड्स वी मूव टू नेक्सपोर्ट ना जी स्टूडेंट्स तो 326 देखते हैं माइग्रेटरी तो माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है हिजरत करने वाले माइग्रेट करने वाले तो इसमें हमारे पास से एक रूट है एम आई जी आर की रूट तो एम आई जी आर स्टूडेंट्स कहते हैं यानी रोमिंग करना वंडरिंग करना जैसे आप कहते हो माइग्रेट एम आई जी आर है इसमें एमिग्रेंट एम आई जी आर ई का मतलब क्या है यानी बाहर को तो एमिग्रेंट जो मुल्क से बाहर चला जाता है ठीक है माइग्रेटरी ये हमारा यहां पर स्टेप का जो वो कैप का वर्ड है वो ये है कॉमिग्रेट को का मतलब टुगेदर कॉमिग्रेट मैंने इकट्ठे यानी मूव करना इकट्ठे माइग्रेट करना तो 326 ट्वेंटी इज ओवर नाउ मूव टू 327 मिंगल मिंगल कहते हैं मिक्सअप करना चीजों को एंड द नेक्स्ट इज 328 ट्वेंटी तो मेरेक्यूलस कहते हैं मोजाना ठीक है एस्टोनिशिंग बड़ा अमेजिंग टाइप मेरेक्यूलस 329 है मिटिगेट तो मिटिगेट कहते हैं किसी चीज की शिद्दत को कम करना जिसे हम कहते हैं एलिवेट करना 330 में देखें मोनोटनस वर्ड है तो मोनोटनस जो है बच्चों इसमें मोनो का जो प्रीफिक्स है तो लेट्स सी द प्रीफिक्स मोनो तो मोनो किसे कहते हैं वन को और इसके साथ एक बाई भी होता है बाई का मतलब बच्चों क्या होता है टू और इसी तरह पॉली भी होता है पॉली मैंने क्या होता है दो से ज्यादा more than two तो खैर यहां पे मोनोगाम देखते हैं थोड़ा अनफोल्ड करते हैं मोनक ये आग जो है ये रूल से रिलेटेड है गवर्नमेंट यानी रूल करना मोनक कहते हैं एक आदमी का मुल्क पे रूल करना और عمومی तौर पे जो किंग्स और क्वींस के लिए वर्ड यूज करते हैं मोनोपॉली एक ही आदमी की जागीरदारी ये थोड़ा कमर्शियल टाइप वर्ड है एक कोई कंपनी जो है वो पूरी मार्केट में वो रूल करे और उसका कोई कंपेटिटर वहां मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत को उर्दू में अजारादारी और कमर्शियल लैंग्वेज में इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोनोपली तो मोनोटनी तो पहले मोनोटोन को देखे तो मोनोटनी अच्छे से समझ आ जाएगा मोनोटोन का मतलब क्या होता है लहजा पिच तो मोनोटोन कहते हैं एक ही लहजे में बात करते रहना तो जब आप एक ही टोन में बात करते हैं तो अमूमी तौर पे जो लिसनर्स होते हैं ऑडियंस जो है वो बेजार हो जाती है तो मोनोटरी का मतलब फिर क्या हो जाएगा बेजारी यानी एक ही लहजे में बोलते रहना मोनोलॉग लोग अभी हम पिछले बोर्ड पे देखे थे लोग का मतलब क्या होता है बातचीत करना टॉक करना और मोनोलॉग कहते हैं एक ही शख्स का बातचीत करना मोनोथीस्ट है थीस्ट है वो रिलीजन को कहते हैं तो मोनोथीस्ट कहते हैं एक अल्लाह को मानने वाला एक जैसे हम मुसलमान हैं वी बिलीव इन वन गॉड मोनोगी तो गमी जो है ये मैरिज को कहते हैं ठीक है तो मोनोगमी कहते हैं एक शादी करना एक वक्त में और अगर आप इसको बिगमी कर दें अगर मैं इसको जैसे अभी बनाया था ना कि बी आई बाई का मतलब दो होता है तो बिगमी कहते हैं एक वक्त में दो शादियां कर लेना और अगर इसको पलिग्मी कर दें तो पलिग् का मतलब हो जाएगा एक वक्त में ज्यादा शादियां कर लेना दो से भी ज्यादा मोनोग्राम है जी कोई ऐसा सिंबल जो आपकी कंपनी एक तो ये भी थोड़ा कमर्शियल टाइप है तो आपकी पहचान बन जाए कोई ऐसा सिंबल एक ही सिंबल जो आपकी पहचान बन जाए और वो किसी और की ना हो फिर तो मोनोटनस कहते हैं स्टूडेंट्स यानी बहुत ही बोरिंग थ्री थर्टी वन देखते हैं म्यूटेबल कहते हैं जो तब्दील हो सके यानी चेंजेबल और इसमें भी हमारे पास एमयूटी का एक रूट मौजूद है एमयू टी स्टूडेंट्स कहते हैं चेंज को पहले भी हमने देखा हुआ है म्यूटेट कहते हैं चेंज करना म्यूटेंट्स कहते हैं जो चेंज हो जैसे हमने पहले भी बताया था जैसे एक मूवी भी है ना कोई सीरीज टाइप की मूवी है उसमें सारे म्यूटेंट्स होते हैं और इंसानों के साथ वो प्रॉब्लम उनका चल रहा होता है परम्यूट पर म्यूट कहते हैं चेंज करने से रिलेटेड है म्यूटेशन कहते हैं चेंज को इम्यूटेबल इसको चेंज नहीं किया जा सकता नेगेटिव हो गया म्यूटिलेशन कहते हैं चेंज्ड बैडली डिसफिगरिंग जो इंजरी होती है ऐसी चेंज जो बुरी लग रही हो सबको उसको म्यूटेलेशन कहते हैं तो म्यूटेबल हमारा क्लियर हो गया 332 देखते हैं नाइव नाइव कहते हैं बड़ा ही अनाड़ी टाइप अनसफिस्टिकेटेड इनएक्सपीरियंस्ड ठीक है जी इसको नाइव बोलेंगे 333 देखें नेस्टी नेस्टी का मतलब क्या होता है डिस्कस्टिंग बहुत ही बुरा सा गंदा साट तो ट का मतलब होता है मतली आना ठीक है ठीक है? क्या आना 335 देखते हैं नेबुलस नेबुलस कहते हैं वेग गैर वाजे और जो चीज भी गैर वाजे है वो कंफ्यूज भी है तो अमूमी तौर पर ना ऐसे ही हम ये जेन में रखेंगे जो है इसका मतलब होता है बदनाम यानी खराब आदमी ठीक है बुरा आदमी 337 देखें नाइसिटी तो नाइसिटी वर्ड फॉर्मेशन से क्लियर हो जाता है नाइस nice से निकला हुआ है नाइस मैंने उमदा तो नाइसिटी का मतलब क्या हो जाएगा उमदगी नॉन शैलेंस देखें लैक ऑफ कंसर्न होना इनडिफरेंस होना ठीक हो गया थ्री थर्टी नाइन देखे नोस्टलजिक तो नॉस्टैल्जिक में हमारे पास ए एल जी का एक रूट मौजूद है ए एल जी स्टूडेंट्स कहते हैं पेन को जैसे नॉस्टैल्जिया है तो जिया का मतलब क्या होता है जो हमारा जो से रूट वर्ड है याद माजी की याद सताती है तो भी दुख होता है यानी दर्द है यानी मेंटल पेन हो गया तो एनर्जीजिक वर्ड है तो यानी पेन को रिड्यूस करने वाला मामला न्यूरजिया जो है ये भी हमारा क्या है नर्व्स की पेन से रिलेटेड है तो तीनों जो वर्ड्स हैं ये आपके आप कह लें दो इनमें से बायो के वर्ड्स बन जाते हैं नॉस्टैल्जिक कहते हैं यानी इवोकेटिव याद दिलाने वाला 340 देखें नोटोरियस बदनाम कहते हैं थ्री फोर्टी वन नम तो नमली वर्ड हमने बटन बटन में देखा था तो नम किसे कहते हैं इनसेंसिबल हो जाना आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन नम हो जाता है when it start, when it stops working. ठीक है तो उसमें नम कहते हैं उसको थोड़ा बायो का भी वर्ड हो जाता है पैरालाइज्ड हो जाना थ्री फोर्टी टू में देखें ऑबड्यूरेट तो इसमें स्टूडेंट्स डी यू आर का जो है ना वो हमारे पास रूट मौजूद है तो डी यू आर क्या है जी हार्ड सख्त यानी जैसे आप कहते हैं ड्यूरेबल ड्यूरेबल कहते हैं बहुत सख्त ड्यूरस कहते हैं सख्ती को यानी थ्रेट्स के जरिए कोई सख्ती करना किसी पे इस तरह एंड कहते हैं डी यू आर यानी किसी चीज को सख्ती सख्त चीज है आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं यानी सख्त करना हार्डन करना किसी चीज को हार्डन करना ऑबड्यूरेट जो बहुत ही सख्त है यानी इतना सख्त है कि वो इनफ्लेक्सिबल नहीं इसको हम क्या बोलते हैं यानी जिद्दी स्टबन तो यही हमारा यहां पर हेडवर्ड है ऑब्ड्यूरेट कहते हैं ऑब्स्टिनेट यानी स्टबन 343 फोर्टी सा है ओबीडियंट है फर्मा बरदारी ओबेसेंस आप ओबीडियंट से मिलता जुलता है ओबे से तो ओबेसेंस का मतलब क्या होता है रिस्पेक्ट किसी का रेवरेंस अकीदत एहतराम वगैरह 345 फोर्टी है हमने वर्ड ऑब्लिवियस के नाम से ये देखा था किसमें गॉड बी प्रेज में ऑब्लिवियस ऑफ इज सराउंडिंग हमने ऐसा कुछ पढ़ा था ऑब्लिवियन कहते हैं गफलत लापरवाही आपको नहीं पता क्या हो रहा क्या है क्या साइड ऑफिक थ्री फोर्टी सिक्स कहते हैं अब नॉक्शस ऑबनोक्शस कहते हैं नुकसान देखो ठीक है जी तो इसमें एन ओ एक्स और ओ सी इनका हमारे पास रूट है क्या मतलब है हार्मफुल नुकसानदेह इन नॉक्यूवस एनोसी आ गया इसमें एनओसी इन नॉक्यूवस इन नेगेटिव है पॉजिटिव भी होता है इनगेटिव भी है इनोक्यूवस जो नुकसानदेह नहीं है यानी बहुत ही इनोसेंट मासमें तो भी एनओसी आ गया इनोसेंट में इन यानी जो नुकसानदेह नहीं है मासूम ऑबनोक्स ऑफेंसिव एक ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो और नॉक्स का मतलब भी यानी हार्मफुल नुकसानदेह टाइप तो ये चारों वर्ड हमने एक ही रूट से हमने सेटल कर लिए। तो 346 में ऑपनोक्स का क्या जाएगा हार्मफुल नेक्स्ट देखते हैं 347 तो ऑब्सेस्ट है तो इसमें भी स्टूडेंट हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग रूट है ऑब्सेस्ट में सिट और सेट और इन दोनों का मतलब क्या है सिट बैठना जैसे आप कहते हैं रेजिडेंट तो ऐसा शख्स जो बहुत देर तक बैठ जाए किसी जगह पर रिहायश कर ले रेजिडेंट इसी तरह प्रेजिडेंट है इसमें भी सिड है प्री का मतलब पहले भी होता है और प्री मैंने बिफोर भी होता है पी प्री मैंने बिफोर भी होता है तो प्रेजिडेंट कहते हैं सबके सामने बैठने वाला यानी अलग से बैठने वाला यानी अथॉरिटेटिव सेंस में ना डिसिडेंस सिड आ गया इसमें नेगेटिव है यानी सबके मुखालफत में बैठना किसी को जो है वो अपोज करना Sedative हम जानते हैं सेड है वो मेडिसन वगैरह जो आपको कूल cool कर देती हैं आप, आप बैठ जाते हैं सुकून करते हैं सेडिमेंट्स कहते हैं वो केमिकल्स या वो सब्सटेंसेस जो नीचे बैठ जाते हैं ऑबसेस्ट आप के दिमाग में कोई चीज बैठ गई है जुनून हो गया आपको खप्त तो हो गया किसी चीज का सबसाइड डूबना भी होता है सबसाइड मैंने नीचे जाके बॉटम पे बैठ जाना और सब साइड केमिकल्स के लिए भी आता है उनका तो 347 में कहते हैं चीज कुछ, कुछ दिमाग में आपके बाद बैठ गई है यानी हो जाना 348 देखते हैं स्टूडेंट्स ऑब्स्टिनेट तो ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी को स्टबन को 349 है ऑप्ट्यूस ऑप्ट्यूस कहते हैं डल स्टूपिट अहमक टाइप तो 350 जो है वो ऑनरस onrus का मतलब भी क्या होता है liborius तो liborius हमने स्टार्ट में देखा था onrus उसी का सिननिम आ गया फॉर फर्दर वर्ड्स वी मूव टू नेक्स्ट वर्ड नाउ दिस स्टूडेंट्स तो 351 पे है ऑप्रेस तो ऑप्रेस का मतलब बच्चों होता है जुल्म करना किसी को क्रश करना हैरेस करना टेरनाइज करना तो इसमें देखें p r e d b s का जो है वो रूट है तो वी चेक इट आउट प्रेस कहते हैं यानी प्रेस का मतलब ही क्या होता है दबाव डालना किसी पे, जैसे कंप्रेस होता है दबा देना सुकेट देना उसको स्क्वीज़ कर देना और प्रेस जुल्म से रिलेटेड है दबा देना किसी चीज को बिठा देना सप्रेस भी इसी मीनिंग में आता है यानी दबाना किसी को कुचलना डिप्रेशन ये है कि आप इतने प्रेस हो गए हैं कि आप डी यानी आप गम में आ गए आप निढालोग प्रेशराइज कहते हैं किसी पे प्रेशर डालना एक्सप्रेस कहते हैं कि एक्सप्रेशर से बाहर आके आप इजहार कर रहे हैं इन जिसको आप दबा नहीं सकते इर नेगेटिव में रिप्रेसिवनेस का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है यानी जिसको हम ट्री कहते हैं जुल्म ऑपरेशन तो रिप्रेसिव या रिप्रेसिवनेस ये नाउन बन जाता है तो 351 में प्रेस का रूट हमने देख लिया 352 देखते हैं जी ऑपुलेंट तो ऑपुलेंट का मतलब होता है वाफिर अबंडेंट कस, कसीरियन 53 है जी ओरेशन ओरेशन में स्टूडेंट्स ओ आर का जो है ओ आर ए का हमारे पास एक रूट है इसका मतलब बच्चों होता है माउथ औरल यानी मुंह से मुतल का और औरल और का मतलब यानी टॉक करना भी होता है बात करना भी इसके दो मीनिंग्स बन जाते हैं ना ऑरट यानी बात करना ऑरिट्री कहते हैं यानी तकरीर वगैरह का जो एक हुनर होता है फन होता है उसको ऑरिट्री कहते हैं जी मामला तो ऑरिफ का मतलब, तो तो मतलब यानी होल है कैविटी कैविटी भी एक होल होता है बायो के स्टूडेंट हम लोग तो नेक्स्ट देखते हैं एरेशन यानी किताबत थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी थ्री और फिफ्टी फोर इनमें एक ही रूट चलेगा और वो ओ आर ए का रूट है फिफ्टी फाइव को देखते हैं तो उस्टेंटेश्यस हम चिप्स में देखे थे इसका मतलब क्या होता है बनावटी, फिफ्टी सिक्स को देखें ऑस्ट्रोसाइज ऑस्ट्रोसाइज कहते हैं किसी चीज को रद्द कर देना रिजेक्ट कर देना उसको अवॉइड करना शन करना फिफ्टी सेवन देखते हैं ओवरट्यूर तो ओवर ओवरच्योर कहते हैं यानी प्रपोजल ऑफर 58 पैलेटएबल है पैलेट किसे कहते हैं तालू को तो पैलेटएबल कहते हैं जो तालू के लगने के श्यायानिशानों यानी बहुत ही टेस्टी ठीक है जी 359 देखते हैं पैल्पेबल तो पैल्पेबल कहते हैं टेंजिबल ऐसी चीज जिसको आप छू सकते हो 60 देखते हैं पोल्ट्री पोल्ट्री कहते हैं बहुत ही मामूली ट्रिवियल 61 है paramount. तो सिक्सटी वन 61 माउंट में ओ एन टी या ओ यू एन टी इसका एक हमारे पास रूट है तो ओ एन टी या ओ यू एन टी इन दोनों का मतलब क्या होता है माउंटेन पहाड़ जैसे माउंट होता है पहाड़ पे चढ़ना या वैसे बुलंदी पे जाना पैरामाउंट कहते हैं ऐसी चीज जो बहुत ही बुलंदी पे जा चुकी हो यानी बहुत आला सुप्रीम सरमाउंट कहते हैं ओवरकम करना ठीक है चीज बहुत बुलंद है लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेते हैं तो इसी के साथ इसी के नीचे देखें इन सरमाउंटेबल तो ये इसका एडजेक्टिव है ऐसी चीज जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते यानी इनविंसिबल अमाउंट यानी जो चीज बहुत ही ऊपर बढ़ गई है रकम यानी डिस का मतलब क्या होता है उतरना और किसी सवारी वगैरह से तो अमूमी तौर पे हॉर्स वगैरह से कैमल के लिए या बाइसिकल और मोटरसाइकिल के लिए आप डिस्माउंट यूज करते हैं तो टेंट अमाउंट कहते हैं दो चीजों का एक ही तरीके से बुरा होकर एक दूसरे के सामने आ जाना टेंट अमाउंट तो 361 है जी पैरामाउंट यानी बहुत ही सुप्रीम 362 देखें पार्सिमनी तो पार्सिमनी कहते हैं स्टिजीनेस यानी कंजूसी 63 थ्री है पॉजिटिव स्टूडेंट्स कहते हैं किल्लत को तो फोर देखें पेंसिव तो पेंसिव कहते हैं थॉटफुल सोचा समझा पीरानियल कहते हैं रिकरेंट रिकरेंट नेचर का जो एक्शन होता है ऐसी चीज जो बार बार हो रही हो रही हो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं ठीक है स्ट्राइक्स स्ट्राइक्स ऐसी स्ट्राइक्स जो बार बार आके लोग कर रहे हैं परसवेरेंस कहते हैं डिटर्मिनेशन को इस्तेल को ठीक है मुस्तकिल मिजाजी को थ्री सिक्सटी में देखें पेसिंग तो पेरसिंग आप लोगों ने प्ले नंबर वन में देखा था पेरसिंग लाइट तो पेरसिंग कहते हैं काटती हुई चीरती हुई यानी शार्प 68 में देखें पिनाकल पिनाकल कहते हैं किसी चीज का बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट समिट जैसे हम कहते हैं 369 सिक्सटी प्लेसिड है और प्लेसिड वर्ड हमने चिप्स में देखा था तो यहां पर हमारे पास एक प्लैक की रूट है पी एल ए सी तो प्लैक का मतलब क्या होता है काम पुरसकून जैसे आप कहते हैं प्लेकेट यानी किसी चीज को कूल डाउन करना प्लेसिड है यानी पुरसकून प्लेकेट्री एडजेक्टिव बन जाता है यानी प्लेकेट्री कहते हैं प्लेकेट्री डिस्कशन प्लेकेट्री वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिन्होंने आपको सुकून दे दिया हो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए इम्प्लेकेबल ये भी हम चिप्स में देखे थे तो इम क्या है प्रिफिक्स है प्लेक यानी काम तो इम्प्लेकेबल जिनमें अल्लाह ने कामनेस नहीं रखी वो बेचैन टाइप रू नहीं होती जो तो उसको इम्प्लेकेबल कहते हैं यानी तो कॉम्प्लेसेंट तो प्लेक यानी तो प्लेसिबो कहते हैं समथिंग गिवन फॉर मेंटल रिलीफ यानी थोड़ा मेंटल को माइंड को थोड़ा सुकून देने के लिए तो इन सब का मतलब प्लैक का मतलब क्या आप देख रहे हैं कामनेस रिलेटेड है तो 369 हम कर लिए 370 इजी वर्ड है प्लेग तो प्लेग का मतलब किसी को तंग करना भी होता है ठीक है नाउन की सेंस में हम सब जानते हैं प्लेग का मतलब क्या होता है वबा, एपिडेमिक और प्लेग का मतलब वर्ब की सेंस में पेस्टर करना भी होता है तंग करना 371 देखें थ्री तो 371 में स्टूडेंट्स अगेन वी अ रूट तो लॉर्ड या लॉस इसका मतलब क्या होता है तारीफ करना जैसे लॉर्ड वर्ड है तारीफ लॉर्डेट्री कहते हैं तारीफ से मुतलिका लॉडेट्री कमेंट्स ठीक है, अपलोड कहते हैं दाद देना अपलॉज इसी का नाउन बन जाता है इसमें एल एस आ जाता है यानी तो कहते हैं, जो मुमकिन हो यानी और इसको हम ये भी कह सकते हैं क्रेडिबल ठीक है फिजिबल टाइप तो ऐसी चीज जिसकी तारीफ भी की जा सकती हो, कमेंडेबल टाइप भी हो सकता है तो 371 में हमारे पास जो रूट था वो प्लॉजिबल का था यानी 372 देखते हैं students, plunge. तो प्लंज बड़ा इजी सा है plunge का मतलब क्या होता है यानी यानी गिरना ठीक है तो गोता लगाना थ्री तो 373 देखते हैं प्रियम्बल तो प्रियम्बल में आप ये जान लें कि प्रियम्बल और प्रिकेरियस और प्रेसिपिटेट और प्रिक्लूड प्रेडिकेट और ये जो सारे वर्ड्स आ रहे हैं आगे इनमें प्री का जो प्रीफिक्स है ये भी थोड़ा देखने वाला है तो लेट्स सी प्री का मतलब पहले होता है प्री मैंने बिफोर होता है तो प्रियम्बल एम्बल हम जाने थे क्या मतलब होता है वॉक प्रियम्बल कहते हैं किसी भी बुक से पहले उसका इंट्रोडक्शन देना प्रियम्बल डिक्ट किसका कहते हैं बोलने को तो प्रीडिक्ट का मतलब फिर क्या हो जाएगा पहले से बोल देना पेशन गोई कर देना प्रेफेस इसको प्रीफेस नहीं पढ़ेंगे प्रेफेस होता है तो प्रेफेस का मतलब भी क्या होता है इंट्रोडक्शन टू बुक किसी भी किताब का इंट्रोडक्शन तो प्रीडेट यानी जो बहुत ही पुराना ठीक है आउटडेटेड यानी प्रीपेड कहते हैं पहले से पे कर देना और प्रेडिसेसर्स प्रेडिसेसर्स कहते हैं जो आपसे पहले मौजूद हो अगर इस वक्त कोई रूल कर रहा है और जो जो रूलिंग करंट रूलर है उससे पहले का जो रूलर होगा वो कहलाएगा। ये जरूरी नहीं कि रूलर्स के लिए आए किसी भी जगह पे, जो पहले मौजूद हो और जिसको फॉलो कर रहा था उसको क्या बोलते हैं नेक्स्ट इन लाइन, यानी सक्सेसर। प्री-वॉर कहते हैं जो जंग से, से हैं हैं. एहतियात को प्रीडिट यानी रिजोल्व पहले से आप डिसाइड कर चुके हैं, कहते हैं पहले आना प्रीफ्रंटल भी इसी सेंस में आ जाता है तो ये सारे वर्ड्स को हमने देखे हैं ये प्री के प्रीफिक्स से बन रहे हैं तो प्रैएम्बल का मतलब स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा इंट्रोडक्शन तो 374 देखें प्रिकेरियस तो प्रिकेरियस हमने देखा था ओवरकोट में भी तो प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है बड़ा डेंजरस खतरनाक सा, रिस्की सा प्रेसिपिटेट कहते हैं जल्दी करना किसी चीज को जल्दी से कर देना Preclude इसको हम पहले भी देखे थे प्रिक्लूड का मतलब होता है रोकना स्टॉप करना सेवन सेवन है, प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट है किसी चीज की बेस ठीक प्रेजुडिस्ट है प्रेजुडिस्ट कहते है, कहते हैं यानी बाइस्ट तासो वाला प्रोक्लेमेशन थ्री सेवनटी नाइन जी तो सेवनटी नाइन में वी हैव अ रूट क्लैम या क्लेम क्या मतलब है टॉप ए यानी दावा करना तारीफ करना ऊंची टॉक टॉक करना यानी ब्लंट टॉक प्रोक्लेम कहते हैं ऐलान कर देना एक्सक्लेम कहते हैं बेसाख्त की में बोल देना टॉक कर देना कोई क्लेमर कहते हैं बहुत ज्यादा बातचीत शोर शराबे को कहते हैं क्लेम दावा करना और क्लेमेंट कहते हैं दावा करने वाला जो बात करता है डी क्लेम भी शोर करने से रिलेटेड है तो सारे वर्ड्स हैं वो टॉक यानी नॉइस के सेंस में आ रहे हैं थ्री सेवेंटी नाइन प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या है ऐलान करना डेक्लेन थ्री एटी को देखें प्रोडिगल तो प्रोडिगल कहते हैं खर्च टाइप जो होता है है इसमें प्रोफेन है. तो प्रोफेन को आप ये जान लें कि एफ ए एन इसका ना एफ ए एन ये रूट को इतना ज्यादा रिच नहीं है इसलिए हमने नहीं इसको डिस्कस किया फैन का रूट है बहरहाल इसमें फैन का मतलब क्या होता है आप किसी के डिबोटी होते हैं जैसे आप क्या बोलते हैं फोनैटिक ठीक है और यहां पर जो वर्ड है प्रोफेन है तो प्रोफेन कहते हैं कि आप मजहबी गुस्ताखी कर देते हैं आपकी जो फेवरेटिज्म है वो मनफी साइड पे चली गई है तो ब्लैस कर देना ठीक है जी थ्री एटी टू देखें प्रोफाउंड तो प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही गहरा डीप यानी ठीक है इसमें ओ एफ एन डी फंड या ओ यू एन डी फाउंड का रूट चलता है और इसका मतलब क्या होता है बेस तो इसको भी जरा देख लेते हैं ये भी तो कितना रिच नहीं था एफ डी या एफ ओ डी इन दोनों का मतलब क्या है बेस ठीक है तो जैसे आप कहते हैं फाउंट फाउंड का मतलब क्या होता है बुनियाद रखना जैसे आप कहते हैं फाउंडेशन बुनियाद रखने से रिलेटेड है और इसी तरह आप कहते हैं फंड तो फंड क्या होता है आपके सीरीज को बुनियाद रखने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं फंडामेंटल वर्ड है बुनियादी तो इसी में ये वर्ड आ जाता है हमारा 379 तो 3782 तो प्रोफाउंड कहते हैं प्रो का मतलब दो तीन होते हैं मैंने पहले पहले बोर्ड पे भी बात की थी कि प्रो मैंने फॉरवर्ड भी है प्रो मैंने बिफोर भी है और प्रो मैंने इन फेवर ऑफ भी है ठीक तो है तो प्रोफाउंड कहते हैं इन फेवर ऑफ बेस बॉटम जो चीज की मामले की तय तक जाता हो यानी बहुत ही दिलचस्पी रहने वाला तो प्रोफाउंड कहते हैं डीप तो प्रोफ्यूज कहते हैं यानी बहुत ही भरा हुआ प्लेटिफुल कहते हैं यानी ऑफस्प्रिंग को औलाद को इशू को 385 देखते हैं प्रोलिफिक तो प्रोलिफिक हमने चिप्स में पढ़े थे प्रोलिफिक कहते हैं बड़ा रिच ठीक है तो बड़ा क्रिएटिव टाइप प्रोडक्टिव टाइप प्रोन टू होता है जी प्रोन टू का मतलब होता है इंक्लाइन टू माइल प्रोपेल तो इसमें पेल और पल्स का एक एक रूट होता है पेल और पल्स पे इतना रिच नहीं है इसका मतलब क्या होता है पुश करना फिजिक्स में आप पढ़ते हैं प्रोपल्शन वगैरह ये सारी चीजें ना फोर्सेस वगैरह तो पुश करने से रिलेटेड प्रोसिक्यूट कहते हैं इसी पे कानूनी कार्रवाई करना इंडाइट इल्जाम धर देना प्रोटोटाइप कहते हैं आइडियल ओरिजिनल प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है यानी बड़ा समझदार प्रूडेंट प्रोविजनल का मतलब स्टूडेंट्स होता है बहुत टेंटेटिव यानी मतवक्को कॉन्टिजेंट जिसे हम कहते हैं प्रूडेंट का मतलब अगेन क्या है बड़ा समझदार बहुत ही रैशनल टाइप क्वैक हम पढ़े जाने यानी इंपोस्टर बहरूपिया क्वाम कहते हैं जमीर को स्क्रूपल जैसे से हम कहते हैं और क्वारी क्या मतलब यानी माइन भी होता है और क्वारी का मतलब भी होता है जो जिसको आप शिकार कर रहे हैं क्वाश कहते हैं रिप्रेस करना यानी कैंसिल कर देना नलिफाई तो 396 नाइनटी सिक्स थ्री देखेंगे क्वेवर क्वेवर का मतलब क्या होता है कांपना ट्रेम्बल करना थ्री देखें क्वेल्व तो क्वेल कहते हैं काम कर देना किसी को प्लेकेट कर देना रिलैक्स कर देना 99 देखते हैं क्वेंच तो क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना सिंपल वर्ड है 400 है जी क्वर्क तो क्वर्क का मतलब होता है एबनॉर्मल बिहेवियर सो दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज